आज हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी हमारे वर्किंग कैपिटल टॉपिक में हो चुकी हैं। ठीक है, कई नई चीज़ें आएंगी जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, चार ऑप्शन है आपके सामने। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कैपिटल, तो आंसर इज बी। ठीक है, अब अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल मींस, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब होता है? जब भी हमारे करंट एसेट्स, समझो करंट एसेट्स है 100, करंट लायबिलिटी 80, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल, तो 100 माइनस 80 इज 20, ये प्लस है। तो ये पॉजिटिव कब होता है कि हमारे पास जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, सो वी कैन इजिली पे अवर करंट लायबिलिटीज। सो इन चार ऑप्शन में से डी आएगा, बिकॉज इन दिस केस द कंपनी इज एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इफ द डेटर्स इंक्रीजेस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर डेटर्स का अमाउंट प्रीवियस ईयर के सामने इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सब चीज कॉन्स्टेंट है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल्स लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर था 1200 रुपीज, इस साल भी 1200 कॉन्स्टेंट है, लेकिन लास्ट ईयर हमारा डेटा सबसे हम जो 100 रुपीज, इस साल है 200 रुपीज। अब इसका मतलब होता है लास्ट ईयर अगर मैं देखूं 1200 मेरा साल का सेल्स है, एनुअल सेल्स, तो मंथली सेल्स हो गया 100, और डेटर्स भी 100 है, मतलब मेरे पास डेटर्स एक महीने का पैसा उधारी में रहता है। मतलब हम लोग कस्टमर को एक महीने का क्रेडिट देते हैं, एक महीने बाद पैसा आता है। ठीक है, अब करंट ईयर में वही 1200 के सेल्स के सामने 200 अगर डेटर्स है, इसका मतलब दो महीने का क्रेडिट में पैसा बाकी रहता है। तो प्रीवियस ईयर तक हम एक महीने में पैसा कलेक्ट कर लेते थे, इस साल दो महीने में कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो हमारी पुअर क्रेडिट पॉलिसी है कि मतलब हम लोग अननेसेसरली कस्टमर से लेट पैसा रिकवर कर पा रहे हैं या कस्टमर से प्रॉपरली टाइम पे कलेक्ट नहीं कर पा रहे। सो दिस रिप्रेजेंट्स अवर पुअर क्रेडिट पॉलिसी। ए, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो जब वर्किंग कैपिटल में सारे वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो उनमें शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आते हैं। तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस आएंगे, WIP भी करंट एसेट ही हो गया, स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लेकिन परपेचुअल मतलब फॉर एवर, परमानेंट, तो वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो इनमें मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन आएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। कंटिंजेंसीज, हमने हमारे वर्किंग कैपिटल टॉपिक में देखा है जो इनिशियल सम्स करते थे कि पहले हम लोग करंट एसेट्स लिखते थे, ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी, समझो ये 100 है, करंट लायबिलिटी 40 है, माइनस होके वर्किंग कैपिटल आता 60, और फिर कुछ भी कंटिंजेंसीज है समझो 10, तो हम इसको ऐड करते थे, तब जाके टोटल बनता था, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 70। सो बेसिकली कंटिंजेंसीज आर एडेड टू अवर वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट स्टेप फॉर रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, विच ऑफ द स्टेप इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे मेरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बढ़ जाएगा, मतलब सपोज पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था 10 डेज में, अभी मैं 20 डेज में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो यहां पर मेरा पैसा 10 दिन के लिए ब्लॉक होता था, अब मेरा पैसा 20 दिन के लिए ब्लॉक होगा, तो उतना ज्यादा मेरा स्टॉक ब्लॉक हो गया, उतना ज्यादा फिनिश गुड्स का पैसा अटक गया। सो दैट मीन्स इसमें तो मेरा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया इनफैक्ट। सो इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं हुआ। इंक्रीज ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट दैट डू नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन। अब खुद सोचिए, क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहा है, क्रेडिट का पीरियड बढ़ रहा है, तो उससे मुझे फायदा क्या होता है? लॉजिकली सोचिए, अगर मेरा वर्किंग कैपिटल जो साइकिल होता था, ऑपरेटिंग साइकिल आपने सीखा है, उसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का आर
प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, तो क्रेडिटर्स वाला पीरियड माइनस होता था। सपोज ये चार का टोटल है 100 डेज और क्रेडिटर का था 20 डेज, सो मतलब मेरा पैसा 80 डेज के लिए ब्लॉक होता था। अगर क्रेडिटर का पीरियड बढ़ा दिया, ये 20 के बदले समझो 30 हो जाता है, तो 70 डेज के लिए पैसा ब्लॉक होगा। तो जितना टाइम कम ब्लॉक होगा उतना मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, तो इसमें कम हो रहा है, ये आंसर तो लग रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड गिवन टू कस्टमर्स। अभी को इसमें देखिए, कस्टमर्स माने डेटर्स, अगर डेटर्स का पीरियड बढ़ जाएगा तो मेरा ये जो टोटल है जो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी बढ़ जाएगा। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डेटर्स समझो 10 डेज से बढ़ गया तो ये टोटल हो जाएगा 110, समझो क्रेडिटर सेम तो 90 डेज के लिए पैसा ब्लॉक होगा इंस्टेड ऑफ 80 डेज। सो अगेन, जितना डेज ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा उतना मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक रहेगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स दिए आपको, स्टेटमेंट वन, मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म, सफिशियंट लिक्विडिटी मस्ट बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म एज वेल। ऑब्वियसली राइट, ये कि खाली फंड्स की जरूरत, हम लोग को एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की जरूरत शॉर्ट टर्म में ही जरूरी नहीं है, लॉन्गर ड्यूरेशन में भी हमको वर्किंग कैपिटल, मतलब कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, बिजनेस जब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा तब तक हमको वर्किंग कैपिटल प्रॉपर चाहिए, एडिक्वेट चाहिए, सफिशियंट चाहिए। तो सफिशियंट लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म एज वेल, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है, इवन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस में फेल इफ इट डज नॉट हैव एडिक्वेट कैश फ्लो टू मीट इट्स लायबिलिटीज एज दे फॉल ड्यू। मतलब सपोज कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है मतलब क्या कि उस वजह से कि सेल बढ़ रहा है, सेल इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग उधारी पे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन सेल बढ़ रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। मतलब इट इज एज गुड एज कि सपोज दो सिचुएशन लेते हैं, यहां पर मेरा सेल्स था 1000 और डेटर्स का पैसा था समझो 500, मतलब जो मेरा कस्टमर का मैं सेल किया था उसमें से 500 उधारी पे है, ठीक है, तो मेरे पास मुझे पैसा 500 ही मिला है, ठीक है। अब मुझे खर्चे करने हैं समझो 400 रुपये, तो यहां पर मैनेज हो जाएगा क्योंकि 500 रुपीज कैश आने वाला है, कैश आ चुका है और 400 खर्चा है। अब समझो मैंने क्या किया, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए मैंने कस्टमर्स को और उधारी दिया, समझो पहले मैं 3 महीना उधारी देता था, अब मैं बोलता हूँ 6 महीना उधारी लो या 8 महीना लो, जब जब मर्जी हो तब देना, लेकिन बिजनेस हमको देते रहो। अभी सेल्स हो गया समझो 2000 और इसमें से 1800 रुपीज उधारी पे है, मतलब पैसा सिर्फ 200 ही आया। अब बिजनेस मैंने डबल किया तो खर्चे भी डबल हो गए समझो 800, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भले मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, यहां पर मेरा प्रॉफिट कितना, सेल्स माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट इज 1000 माइनस 400 600, यहां पे 2000 माइनस 800 1200, प्रॉफिट इज ग्रोइंग, लेकिन यहां बिजनेस फेल हो जाएगा सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कितना है, 2000 में से 800 अभी तक लेना बाकी है, 200 आया है उसमें से 800 खर्चा नहीं कर पाऊंगा, सो माई बिजनेस विल फेल बिकॉज आई डू नॉट हैव एडिक्वेट कैश फ्लो टू मीट अप माई लायबिलिटीज। सो ये स्टेटमेंट भी राइट है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, एट, व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट, ये भी हमने किया गया, कैश कॉस्ट मेथड में हमें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट जहां जहां पर है वहां से निकालना पड़ेगा। सो हमने सीखा था कि वर्किंग कैपिटल के 3 आइटम्स अफेक्ट होते हैं, एक होता है WIP, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स उसमें से भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, और डेटर्स में से प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट, तो ये 4 में से बोला है, डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड, हाँ बराबर है, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड, वो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, बराबर, ये भी नॉट कंसिडर्ड, डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
जैसे ही मैंने क्या बताया था, डेटस में से आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो अगर प्रॉफिट निकाला मतलब वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गया। सो डेटस आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड नॉट ऑन सेलिंग प्राइस। के फोर्थ ऑल ऑफ द कौन सा राइट है? ऑब्वियसली फोर्थ इज राइट। ठीक है, अभी नाइन्थ, अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? अब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब समझो कंपनी के करंट एसेट से 100, करंट लायबिलिटी है 120, तो वर्किंग कैपिटल इज -20। सो मतलब कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स है और कंपनी को पे करना है उसकी लायबिलिटीज 120, मतलब कंपनी के पास उतना एसेट्स नहीं है कि वो अपने लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके। सो इसमें से करेक्ट आंसर आएगा द कंपनी करंटली इज अनएबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइजेस द अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक एंड अकाउंट्स पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स। किसके अंदर डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स सब आता है? तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये किसके अंदर आता है? हमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा था, उसमें आता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। सो रॉ मटेरियल डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू आई पी एफ फिनिश गुड, ये सब स्टॉक हो गया, डेटर्स भी आ गया, क्रेडिटर्स भी आ गया। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, द वर्ड इटसेल्फ इज व्हाट? इनिशियल मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती होगी या बिजनेस स्टार्ट होती होगी उस वक्त जो हमको वर्किंग कैपिटल लगेगा उसको इनिशियल बोलते होंगे। तो इन चार ऑप्शन में देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 11th का सी, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? मतलब वर्किंग कैपिटल डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होता है मालूम होना। सो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस बोला है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, क्रेडिट पॉलिसी कितना देना है, प्रोडक्शन पॉलिसी, तो ये सब चीज जरूरी है। क्रेडिट पॉलिसी से डेटर्स मालूम पड़ेगा, प्रोडक्शन पॉलिसी से डब्ल्यू आई पी और फिनिश गुड्स पता चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से भी, और नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस से अपने को ये पता चलेगा कि ये इस बिजनेस में हमको कितना उधारी मिलता है, कितना उधारी देना पड़ता है। तो ये सारे चीजें जरूरी है टू डिसाइड अवर वर्किंग कैपिटल। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। रेगुलर वर्किंग कैपिटल, देखो ये था इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ये बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगता है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इन चार ऑप्शन में से अगर आप पढ़ोगे तो रेगुलर मतलब जो हमेशा लगता रहता है, बिजनेस को कंटिन्यूस चलाते रखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। सो इसका मतलब हो गया इट सप्लाइज द फंड्स नेसेसरी टू मीट करंट वर्किंग एक्सपेंस, दैट इज फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल एंड सप्लाइज पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरीज एंड अदर सैलरी एक्सपेंस। करेक्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 14th, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज, अगर ये चार ऑप्शन पढ़ेंगे, टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, यस ऑब्जेक्टिव है ये, टू रिड्यूस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि जितना लायबिलिटी अपनी कम होगी उतना अच्छा है, उधारी हमारे पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इंप्रूव द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में हम लोग हमारा बिजनेस का जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉय किया, उस पर जो रिटर्न आता है मतलब प्रॉफिट्स आता है आरओसीई, वो हम लोग मिनिमाइज करना चाहेंगे कि मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, तो इंप्रूव द रिटर्न। कि करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली हमारे सारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सो द आंसर शुड बी डी। फ्लक्चुएटिंग, अच्छा हमने ये डिस्कस किया था थियरी वाले पार्ट में जब ये वर्किंग कैपिटल टॉपिक किया था कि बिजनेस में है ना कभी भी जीरो वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, हमेशा थोड़ा तो चाहिए। जब बिजनेस बूम पीरियड में होता है तो ज्यादा चाहिए, रिसेशन में कम चाहिए। सो वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है ऐसा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा में ये वाला जो वर्किंग कैपिटल है, सॉरी थोड़ा सा ये जो पार्ट वर्किंग कैपिटल है, ये भले बूम पीरियड हो या रिसेशन हमेशा चाहिए, तो इसको तो बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। और ये जो है, ये जो पार्ट, ये टेम्पररी है क्योंकि ये सिर्फ बूम पीरियड के वक्त चाहिए, तो टेम्पररी बोलो
या फिक्स का ऑपोजिट वेरिएबल बोलो या फ्लक्चुएटिंग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एस, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इज डी। देन 16th है, ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एस। अब 16th का आंसर जो है ऑपरेटिंग साइकिल, वो मतलब जो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, वो वर्किंग कैपिटल का ही साइकिल है। डी इज द राइट आंसर। 17th, कैपिटल विच इज नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सीजनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कुछ ऐसा वर्किंग कैपिटल जो सीजन के वक्त चाहिए, मतलब ऑन सीजन के वक्त चाहिए, मतलब बूम पीरियड के वक्त चाहिए, जब सीजन है स्ट्रांग, ठीक है, उस वक्त हमको उस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जब सीजन नहीं होगा तो नहीं जरूरत होगी। तो ये वाला पार्ट तो हमारा परमानेंट नहीं हुआ, ये तो थोड़े टाइम के लिए चाहिए सीजन के वक्त, तो इसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग या टेम्पररी या वेरिएबल, तो इनमें इसमें नाम दिया फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट करने के पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं कंसेप्ट आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। जो वर्किंग कैपिटल एसेट्स के लिए जो मेंटेन करने की पॉलिसी होती है ना, वो तीन टाइप की होती है मेनली, बट उनमें दो पार्ट, नॉर्मल पॉलिसी तो सबको पता होती है नॉर्मल बिजनेस में कितना चाहिए। हर बिजनेस में लॉजिकली क्या होना चाहिए, एक वर्किंग कैपिटल कितना एग्जैक्ट चाहिए वो मालूम करना जरूरी होता है। लेकिन अब एक पार्ट है कंजर्वेटिव और एक पार्ट है एग्रेसिव, ठीक है, ये जरा ध्यान से देखना, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या होता है और एग्रेसिव में क्या होता है, ये समझते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, सपोज आपने, आपको दिल्ली जाना है कोई काम से, ठीक है, आपने सारी प्लानिंग कर ली कि भाई मेरा फ्लाइट की टिकट का 10,000 रुपये लगेगा, ठीक है, वहाँ पे होटल में रहने का 20,000 लगेगा और खाना पीना ट्रैवलिंग ये सब का मेरा 10,000 और लगेगा, टोटल मेरा खर्चा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 40,000, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली 40,000 लेके चलोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट्स है, शायद इससे कम भी लगे, हो सकता है इससे कम लगे या शायद इससे ज्यादा लगे। तो लेकिन थोड़ा सा सेफ रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि अपने को कम नहीं पड़ना चाहिए। सो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज, नथिंग बट यू आर बीइंग कंजर्वेटिव कि यस हमको रिस्क नहीं लेना है, अपने को कहीं ऐसा नहीं हो कि पैसा कम पड़ गया वहां पर पेमेंट नहीं कर पाए, अननेसेसरी किसी से उधारी लेना पड़ेगा या शायद हमारा ट्रिप कम ड्यूरेशन का करके आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो करते हैं एक थोड़ा सा बफर के लिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, 40,000 खर्चा होने वाला तो समझो 50,000 लेके चलेंगे, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। और एग्रेसिव मतलब क्या होता है कि अगर मुझे लग रहा है 40,000 लगने वाला है तो बिंदास रिस्क लेने का है, अपने को कोई टेंशन नहीं, अरे मैं जानता ना कि 40,000 में हो जाएगा, तो दैट इज एग्रेसिव, आई एम एग्रेसिव कि यस नहीं मुझे मालूम है मेरा इतने में होगा, मैं इसके अंदर मैनेज कर लूंगा। अब बिजनेस में ऐसा क्या होता है क्या कि समझो आपने प्लानिंग किया कि आप इस साल, मतलब अगले जो करंट ईयर अभी चालू हुआ है उसमें आप 1000 यूनिट्स बेचने का एस्टिमेट लगा के रखते हो और इसमें आपको समझो वर्किंग कैपिटल चाहिए 40,000 रुपीज, ठीक है, 1000 यूनिट्स को बना के बेचने में और इनके लिए आपको वर्किंग कैपिटल 40,000 की जरूरत है, ये आपने प्लानिंग किया, आपने सोचा 1000 बिकेगा, जरूरी 1000 ही बिकेगा? नहीं, हो सकता है इसे कम भी बिके या हो सकता है इसे ज्यादा भी बिके, ठीक है। तो सेफ्टी, सेफ होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको 40,000 एग्जैक्ट लेके चलेंगे? नहीं, 40,000 की जरूरत है तो हम लोग प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी रखते हैं कि भाई कल को समझो कुछ खर्चे रेट्स बढ़ गए, हमने सोचा था कि 5 रुपए में हमारा रॉ मटेरियल आएगा लेकिन 6 रुपए हो गया, हमने सोचा था वर्कर समझो इस एक पर्टिकुलर रेट पे काम कर लेगा लेकिन बीच में रेट बढ़ाना पड़ा, तो ऐसा कुछ भी प्लानिंग में गो रॉन्ग। अच्छा समझो ये और कुछ नहीं, तो 1000 हमने सोचा था बिकेगा, 1000 के बदले 1200 बिक रहा है, तो क्या ना बोल देंगे क्या कस्टमर को कि नहीं हमने तो 1000 का ही प्लानिंग किया, नहीं अभी और नहीं बेचना है,
नहीं, कस्टमर आ रहे तो आने देंगे, उसके लिए और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा तो और बनाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक चाहिए, एक्स्ट्रा कैश चाहिए, तो इसके लिए वो प्रोविजन जो हम लोग करते हैं वो सेफ्टी के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, दैट इज बीन अ कंजर्वेटिव बोलते हैं। सो कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या होता है, हम लोग जितना करंट एसेट्स चाहिए ना उससे ज्यादा रखते हैं। सो करंट एसेट्स इज कैप्ड मोर देन रिक्वायर्ड। क्यों क्यों मोर देन रिक्वायर्ड? टू मीट एनी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कि शायद हमारा सेल्स बढ़ रहा है या हमको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। और एग्रेसिव मतलब नहीं, कुछ एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी उतना रखेंगे, देखा जाएगा जो होगा, मतलब बिंदास रिस्क लेने को तैयार हूं। सो यहां पे करंट एसेट इज कैप्ड विच इज जस्ट सफिशियंट टू मीट करंट लायबिलिटी। ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो मेन इसमें क्या है, करंट एसेट्स इज हाई, यहां पे करंट एसेट्स आप बोलो जितना जरूरी है मतलब उतना ही मेंटेन रखा है, तो इसके एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव इट इज लो। अब रिस्क ज्यादा किस में होगा? ऑब्वियसली एग्रेसिव में हम रिस्क लेके चल रहे हैं कि उतने के अंदर ही खर्चा हो जाएगा या उतना ही यूनिट्स बिकेगा, और सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं। तो इसमें रिस्क क्या होगा, इसमें लो होगा और इसमें रिस्क हाई होगा। अच्छा, एक और पॉइंट अगर इसमें डिस्कस करें, ये मैं इधर कंटिन्यू कर लेता हूं, रेट ऑफ रिटर्न मतलब बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न, यहां पर है ना, यहां पर हमारा रिटर्न लो होगा। अब उसका रीजन क्या है, देखो बिजनेस में प्रॉफिट का रिटर्न निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, समझो ऑन एसेट्स निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऑन एसेट्स। सपोज मेरा बिजनेस में प्रॉफिट दे रहा है 100, और एसेट्स मतलब दो तरह के एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स है 100 और करंट एसेट्स है समझो 400 और ये समझो 600, ये चल रहा है। सो मैं 100 रुपीज कमा रहा हूं, ये करंट एसेट्स 400, 100 रुपीज कमा रहा हूं 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे, तो 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, मतलब ये मेरे लिए 10% हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इन दिस केस करंट एसेट इज लो, मतलब अगर ये कम होगा सेकेंड केस में, 100 अपॉन 600 फिक्स्ड एसेट तो रहेगा, ये समझो 200 ही रहता है। सो नाउ डिनोमिनेटर कम हो गया तो मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा, 100 आउट ऑफ 800, अगर मैं कैलसी पे करता हूं, 100 डिवाइड बाई 800 परसेंटेज कर दो, तो इट विल गिव मी 12.5% रिटर्न। सो इन कंजर्वेटिव अप्रोच, बिकॉज दिस फिगर इज हायर, डिनोमिनेटर इज हायर, इसलिए परसेंटेज कम आ गया, रेट ऑफ रिटर्न इज लो, और ऑब्वियसली इधर रेट ऑफ रिटर्न विल बी हाई। ठीक है, आप ये जो मैंने पार्ट डिस्टिंग्विश जैसा बनाया है आप इसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग बैक टू अवर एमसीक्यू, अ हायर करंट एसेट आउट ऑफ एज कंपेयर टू फिक्स्ड एसेट रेशियो, हायर करंट एसेट रेशियो इंडिकेट्स विच अप्रोच, हायर करंट एसेट्स इंडिकेट्स कंजर्वेटिव अप्रोच। 19th, एग्रेसिव अप्रोच कवर्स दोज पॉलिसी। अब देखिए एग्रेसिव में क्या होता है, हमारे करंट एसेट्स कम होते हैं, करंट एसेट्स कम होते हैं तो समझो कुछ भी मेरा एक्सपेक्टेशन से हिल गया, समझो मैंने सोचा था कि चलो करंट लायबिलिटी है, इधर क्या लिखा है एग्रेसिव में, करंट एसेट इज कैप जस्ट सफिशियंट टू मीट करंट लायबिलिटीज, मतलब मेरे करंट लायबिलिटी समझो 100 रुपये होने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो 100 रुपये पे करना है तो 100 रुपये भी होगा तो भी चल जाएगा, तो मैंने करंट एसेट भी 100 रखा, करंट लायबिलिटी 100 के लिए करंट एसेट भी कितना रखा, मैंने 100 रुपये रखा, लेकिन एक्चुअल में लायबिलिटी 110 हो गई। अब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा,
तो इमीडिएटली जो बैंक से लोन लेते हैं या तो उसको बैंक ओडी बोलो या शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलो, वो सब होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या होता है कि करंट लाइबिलिटी 100 रुपए का है, मैं करंट एसेट 140 रख रहा हूं, मैं थोड़ा सेफ खेलता हूं। ठीक है, तो अगर मेरा करंट लाइबिलिटी 100 के बदले 110 भी हो जाएगा ना, तो भी मेरे को अलग से फाइनेंस लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सफिशियंट करंट एसेट्स है। सो एग्रेसिव में क्या होता है, मुझे बार बार शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते रहना पड़ेगा। सो वेयर द फर्म रिलाइज हेविली ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सीक्स टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो ये कौन सा आएगा आपका, ए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं, ये पॉइंट भी जरा ध्यान दे देना, और ये भी आपको डिस्टिंग्विश में, मतलब ये डिस्टिंग्विश के अंदर ही लिख सकते हैं। जो मैंने आपको ये वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट बताया था कि ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट। ठीक है, अब रूल ऑफ अकाउंट्स सेज ये जो वर्किंग कैपिटल है इट इज रिक्वायर्ड परमानेंट, मतलब फॉर एवर, मतलब लॉन्ग टर्म, तो दिस शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स लाइक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, और ये थोड़े टाइम के लिए जरूरी है, तो ऑब्वियसली दिस इज फॉर टेम्पररी पीरियड, सो इट शुड बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ठीक है, अब कंजर्वेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जितना जरूरी है ना, जितना परमानेंट जरूरी है उससे थोड़ा सेफ खेलने के लिए और ज्यादा रखते हैं। मतलब ऑल्दो मेरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल इतना ही है जिसके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मतलब मैं इससे थोड़ा ज्यादा रखूंगा, ये वाला पार्ट है ना सब लॉन्ग टर्म से रेस करूंगा। सो माय इन केस ऑफ कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म फंड्स किसके लिए, किसके किसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी प्लस अ पार्ट ऑफ योर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और एग्रेसिव में क्या होता है, समझो रिक्वायर्ड कितना है, इतना रिक्वायर्ड है, लेकिन हम लोग रिस्क लेने को तैयार है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसका उल्टा करने वाले, कंजर्वेटिव का मतलब हम ये तो नहीं, इससे भी थोड़ा कम, इससे भी थोड़ा कम, इतना पार्ट ये जो है ना, ये पार्ट लॉन्ग टर्म फंड से यूज करने वाले, सो लॉन्ग टर्म फंड्स विल बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, नॉट एंटायर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब आप खुद समझो, अगर ये सब लॉन्ग टर्म इधर, तो ये जो पार्ट है ना, खाली यही पार्ट, इतना सही पार्ट शॉर्ट टर्म हो गया, और इसमें यहां पर ये लॉन्ग टर्म है, तो इधर से इधर तक का पार्ट शॉर्ट टर्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट ज्यादा, फंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स आर मोर यूटिलाइज इन केस ऑफ कंजर्वेटिव के एग्रेसिव, तो एक वो भी तरीका हो गया कि एग्रेसिव अप्रोच कवर्स दोस पॉलिसी वेयर द फर्म रिलाइज हैविली ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, और अगर इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन लॉन्ग टर्म होता ना, तो ये किसके लिए होता था, आंसर कंजर्वेटिव। ठीक है, ये डायग्राम भी आप बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, तो आपके 5 पॉइंट हो जाते कंजर्वेटिव और एग्रेसिव का डिस्टिंग्विश। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट है 20th वाला। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब हमारा टोटल जो करंट एसेट्स, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब सिर्फ करंट एसेट्स, तो इसका करंट आंसर विल बी बी। कंजर्वेटिव पॉलिसी इंप्लाइज ग्रेटर लिक्विडिटी लोअर रिस्क, कि ग्रेटर रिस्क लोअर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, बेसिकली जितना अपने पास करंट एसेट ज्यादा होगा तो उसमें स्टॉक और कैश ये सब ज्यादा रहेंगे, तो मतलब जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपने पास कमी नहीं पड़ेगी, वही होता है लिक्विडिटी। सो यू कैन से व्हेन द करंट एसेट इज हाई यू आर हैविंग हाई लिक्विडिटी, ये मैं इधर पॉइंट लिख देता हूं,
इसको फिफ्थ कर देता हूं। लिक्विडिटी हाई और यहां पर लो। तो अगर देखेंगे अ कंजर्वेटिव पॉलिसी इंप्लाइज ग्रेटर लिक्विडिटी, हां ग्रेटर लिक्विडिटी है एंड लोअर रिस्क, हां ये भी है। दूसरा बोला ग्रेटर रिस्क एंड लोअर लिक्विडिटी, ग्रेटर रिस्क, रिस्क ग्रेटर किसमें है, एग्रेसिव में, लोअर लिक्विडिटी एग्रेसिव में है। नेग्लिजिबल रिस्क नहीं, ये नहीं है, नो रिस्क ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। और अगर यही क्वेश्चन एग्रेसिव होता तो उसका आंसर होता था सी। अच्छा 22nd, इफ अ फर्म हैज इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल एंड ट्राइज टू इंक्रीज द सेल्स, मतलब वर्किंग कैपिटल इनसफिशिएंट है, मतलब क्या, बेचने के लिए समझो जितना स्टॉक चाहिए उतना नहीं है, जितना जितना ज्यादा बेचना है उसको बनाने के लिए जितना खर्चा करना है उसके लिए जो कैश चाहिए वो भी उतना नहीं है, और फिर भी कंपनी अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सो इट इज स्ट्रेचिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स। मतलब बेसिकली क्या अमल में कि आपके पास समझो 100 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोलते हैं स्ट्रेच करना, अगर आप जैसे बोलते हैं आपकी समझो सैलरी है 1 लाख रुपया और मतलब ये एक महीने की सैलरी 1 लाख है तो साल की 12 लाख हो गई, ठीक है 10 साल का हो गया समझो 1 करोड़ 20 लाख, तो आप अगर 1 करोड़ का घर लेते हो 10 साल में लोन चुका सकोगे, ठीक है पॉसिबल है, लेकिन आप स्ट्रेच करते हो समझो आप बोलते हो घर तो 5 करोड़ का लेंगे, तो 5 करोड़ का लोगे और उतना आप उतनी आपकी इनकम नहीं है तो क्या होगा, आप पे कर नहीं पाओगे, अल्टीमेटली डिफॉल्ट हो जाएगा और बैंक आपका घर कब्जे में लेगी, तो अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं कर पाए हम लोग, मतलब अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए हमको। सो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है और फिर भी सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो मतलब वो जरूरत से ज्यादा बड़ी छलांग मार रही है, ठीक है हम बोलते हैं हमारी उतनी लेवल नहीं है, हमारी उतनी औकात नहीं है, और फिर भी हम जरूरत से हमारी औकात से बड़े सपने देख रहे हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट्स से आप कोई एक बंदा स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है अब उसके पास 1 लाख रुपए है और वो 30-40 हजार का शेयर खरीदता है, ठीक है कि भाई या तो बंद भी होगी तो 40 हजार का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी बंद होगी, जीरो होगी वैल्यू, 40 हजार का नुकसान होगा, फिर भी मेरे पास 1 लाख रुपए है, 40 हजार का नुकसान हो गया चल जाएगा, लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूं कि 1 लाख का है और मैं 5 करोड़ का शेयर खरीदने की सोचता हूं कि ये सोचता हूं कि उम्मीद रखता हूं कि प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि अगर लॉस हो गया वो 5 करोड़ का शेयर 10% भी गिर गया तो 50 लाख का नुकसान हो जाएगा और मेरे पास 1 लाख रुपए ही है तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ठीक है तो ये जो ओवर स्ट्रेच करते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग, इसे क्या कहते हैं हम लोग ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी के लॉन्ग टर्म फंड्स के ग्रॉस मार्जिन के फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ये तो हमने पहले भी इधर ऊपर किया हुआ है, परमानेंट को क्या बोलते हैं फिक्स्ड। ए 24 अ लोअर करंट एसेट्स, लोअर करंट एसेट्स, करंट एसेट लो या जस्ट सफिशियंट टू मीट करंट लायबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एग्रेसिव, ठीक है। और जहां पर बोलते हैं ना कि जितना जरूरी उतना रख रहे, ठीक है मतलब चाहिए समझो हमारे करंट लायबिलिटी 100 से अगर हमको रखना चाहिए 120 तो वो मैच हो गया, पॉलिसी मैचिंग पॉलिसी होती है, 100 के सामने 120 रखना, 100 के सामने 140 रख रहे तो सेफ रख रहे हम लोग, दैट इज कंजर्वेटिव, चाहिए 120 लेकिन हम लोग 140 रख रहे, कम नहीं पड़ना चाहिए, और अगर चाहिए 120 लेकिन 100 ही रख रहे हैं तो दैट इज एग्रेसिव, तो यहां पे लोअर करंट रेशियो बोला है तो मतलब इट इज एग्रेसिव। एनी अमाउंट ओवर एंड अबाउट द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये जो परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पररी या वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है तो टेम्पररी भी बोला है, फ्लक्चुएटिंग भी बोला है, वेरिएबल भी बोला है, तो करंट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। 26 करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच कैन बी सोल्ड बाय द कंपनीज या विच आर लेस इंपॉर्टेंट, कि विच आर हेल्ड बाय कंपनीज टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज, कि विच आर कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, ये हमारे वो एसेट्स होते हैं जिन जो कंपनी रखती है ताकि उनसे हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें।
So correct answer is C. 27th. अब 27th में आप देखोगे ना, एक मिनट संजय जी या प्रदीप, ये पार्ट थोड़ा सा चेंज करना, मेरा 26th का आंसर तो रॉन्ग है, 25 तक रखना और उसके बाद डिलीट मार के, हाँ 26th, अभी अब जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट बोलूंगा, करंट 26th. करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स, ये चार ऑप्शन में अगर पढ़ेंगे, सो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम लोग एक साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, कि भाई जैसे स्टॉक है तो जनरली एक साल में बिक जाता है और पैसा मिल जाता है. डेटर्स है तो डेटर्स का भी पैसा जनरली एक साल के अंदर आपने को मिल जाता है. कैश या बैंक बैलेंस, वो तो ऑलरेडी कैश ही है. सो बेसिकली करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर. 27th, टू कैरी ऑन अ बिजनेस अ सर्टन लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नेसेसरी ऑन अ कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड बेसिस. कंटिन्यूअस मतलब हमेशा चाहिए, फॉर एवर चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, यस, फिक्स्ड भी बोलते हैं, बराबर है, लॉन्ग टर्म ऐसा नाम नहीं है, ठीक है, परमानेंट और वर्क फिक्स्ड है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी. 28. Which of the following is a method of maximum permissible bank finance as recommended by the Tandon Committee? So, हमने तीन मेथड सीखे थे MPBF में. एक होता है 0.75 of current asset minus current liability. ये होता है first method. Second method होता है 0.75 of only current assets minus entire current liability. और तीसरा होता है 0.75 ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, ये एक ब्रैकेट में माइनस करंट लायबिलिटी. सो अभी इसमें क्या ऑप्शन में दिए, जहां जहां पे 50% दिए वो तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 75% ही होता है. पहले में 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ ये है. तीसरे में बोला 75% ऑफ कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं है, ये कोर करंट एसेट नहीं, ये करंट एसेट है, तो कोर करंट एसेट खाली इसमें आता है और वो भी ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो करंट आंसर विल बी ए. 29th, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वेरीज विद सीजनल नीड्स, नहीं वो तो हमेशा चाहिए. परमानेंट वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नहीं. इट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स, हाँ. इट इंक्लूड्स वर्क अकाउंट्स पेबल, नहीं, तो करंट आंसर इज सी. द नेक्स्ट 30, हार्डकोर कोर, हार्डकोर वर्किंग कैपिटल इज नोन एज व्हाट, कोर करंट एसेट्स, ठीक है. 31st, एन एग्रेसिव पॉलिसी इंडिकेट्स, तो यहां पर हमने किया था एग्रेसिव में क्या होता है, करंट एसेट लो होता है, हाई रिस्क होता है, लिक्विडिटी लो होता है. एग्रेसिव पॉलिसी में क्या होता है, करंट एसेट लो होता है, लिक्विडिटी लो होता है, रिस्क हाई होता है. सो पुअर रिस्क नहीं है, हाई रिस्क है. तो बी और सी में से, हाई रिस्क के साथ पुअर लिक्विडिटी, हाँ. हाई रिस्क के साथ हाई लिक्विडिटी, नहीं. आंसर इज बी. 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ मैचिंग स्ट्रेटेजी. मैचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि जहां पर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी मेट थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस, ठीक है. मतलब मैंने जैसा ये बताया था, ये वाला परमानेंट है, इसको लॉन्ग टर्म के थ्रू करना चाहिए और इसको करना चाहिए शॉर्ट टर्म के थ्रू, ये होता है मैचिंग. लेकिन आप जरूरत से ज्यादा वाला पार्ट लॉन्ग टर्म करते हो तो ये हो गया कंजर्वेटिव, और अगर जरूरत से कम वाला करते हो तो ये हो गया एग्रेसिव. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ मैचिंग स्ट्रेटेजी. ये बोल रहा है ऑल एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल, नहीं ऑल एसेट्स नहीं, खाली लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो ये करेक्ट नहीं है. टेम्पररी करंट एसेट शुड बी फाइनेंस्ड विथ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ऑब्वियसली राइट है. लॉन्ग टर्म एसेट शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये भी राइट है. परमानेंट करंट एसेट शुड बी फाइनेंस विद परमानेंट वर्किंग कैपिटल,
ये भी राइट है, तो ये तीनों चीज तो मैच हो रहा है, खाली ये मैच नहीं हो रहा है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। 33, पॉसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। पॉसिटी मतलब क्या, कमी, जैसे समझो अगर आज फॉर एग्जाम्पल एक घर चलाने के लिए अगर किसी घर में 10,000 रुपए की जरूरत होती है, लेकिन उस घर में 8,000 रुपए इनकम हो रही है, तो पैसे की कमी है तो घर चलाने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो पॉसिटिव मतलब क्या होता है, जितना जरूरी है ना उससे कम है हमारे पास, जैसे एक्सेस होता है वैसे डेफिसिट होता है, डेफिसिट बोल सकते हैं। सो पॉसिटिव वर्किंग कैपिटल में लीड टू अ सिचुएशन, पॉसिटिव वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल कम है तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा, द फर्म में नॉट बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि इट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज, कि इट विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स सेल्स टारगेट, कि द फर्म में टेक सम डिफरेंट प्रोजेक्ट। पैसा कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली द फर्म विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, 50% और 80% हो ही नहीं सकता है, इट हैज टू बी 75% ऑफ व्हाट, कोर करंट एसेट माइनस करंट एसेट है कि करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट है, हमने इधर किए करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट है, सो मतलब करंट आंसर विल बी सी। 35, इट इज अंडरस्टूड दैट अ करंट रेशियो फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंप्लाइज दैट द फर्म हैज एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब एक्चुअली में इधर स्पेस है, इट इज अंडरस्टूड दैट अ करंट रेशियो ऑफ डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या जो भी 2.5 टाइम्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंप्लाइज दैट द फर्म हैज ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। सो ये तो आपने रेशियो टॉपिक में भी सीखा होगा कि नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए करंट रेशियो जनरली क्या प्रिफर करते हैं, मिनिमम 2:1, तो ऑप्टिमम क्या होता है 2:1 मतलब 2। Then 36, which of the following is relevant while planning for working capital requirement? Working capital कितना चाहिए उसका planning करते वक्त, should we identify the cash balance, मतलब cash balance identify करें which allows the business to meet day to day expense, हाँ तो cash की planning करनी पड़ेगी। Identify the level of inventory, मतलब कितना stock चाहिए which allows for uninterrupted production, मतलब इतना stock होना चाहिए ताकि हमारा production interrupt नहीं हो, ये भी जरूरी है, उतना स्टॉक रखना चाहिए। आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी, मतलब उतने टाइम का उधारी देना चाहिए जिससे अपने को पैसा तो मिल जाए, डूबने का चांस नहीं हो, ठीक है, ये भी बराबर है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगेन कंजर्वेटिव पॉलिसी, ये वो डिस्टिंग्विश कैसे मालूम पड़ेगा, आपके पास डिस्टिंग्विश है तो देख के बता सकते हो, कंजर्वेटिव पॉलिसी में रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है, ये राइट है, रिटर्न भी कम बट रिस्क हाई, कंजर्वेटिव रिस्क हाई होता ही नहीं है, हाई रिटर्न है हाई रिस्क नहीं, सब में बाकी तीनों में हाई रिस्क है, रिस्क कम रिटर्न कम ए, और वैसे एग्रेसिव पॉलिसी में क्या होगा, रिटर्न ज्यादा और रिस्क भी ज्यादा, तो इसमें भी ए, हाई रिटर्न एंड रिस्क। 39, अकाउंट्स रिसीवेबल आर एनालाइज्ड बाय, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स किस तरह से एनालाइज होता है, चार ऑप्शन आप पढ़े, इससे क्या मन पड़ता है, द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू मेक सेल, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल से क्या मन पड़ता है कि इतने टाइम में बिक रहा है, नहीं, द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, अगर मैं बोलता हूं डेटर्स का, समझो अगर मैं बोलता हूं डेटर्स 40 दिन है, इसका मतलब 40 दिन बाद बिकता है, नहीं, 40 दिन में बनता है गुड्स, नहीं, इसका मतलब होता है 40 दिन बाद कस्टमर से पैसा आता है, so it means the average number of days it takes to collect the account, we have to collect an amount bro. 40, working capital is also known as, obviously it is known as current capital or circulating capital aapka. 41, what are the aspects of working capital management, working capital management mein stock bhi manage karna padta hai, yes, to inventory management, debtors bhi manage karna padta hai, that is receivable management, कैश भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव। 42, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ व्हाट, देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब क्या होता है, जैसे फिक्स्ड, आपने रेशियो टॉपिक में किया होगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट विथ सेल्स,
कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल विथ सेल्स, तो ऐसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल विथ सेल्स, रिलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ सेल्स बी। अब जैसे यहां पर हमने किया था कि अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या मालूम पड़ता है, डेटस 40 डेज मतलब क्या होता है कि इतने टाइम बाद हमको पैसा मिलता है, तो अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा दिए क्रेडिटर्स 30 डेज मतलब क्रेडिटर्स हमको 30 दिन का उधारी दे रहा है, हमको उनको 30 डेज के बाद पे करना है। सो इट मींस द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू पे अ सप्लायर इनवॉइस, ठीक है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट्रिक टू यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ कैश साइकिल, मतलब कोई बिजनेस साइकिल में क्या क्या कौन सा चीज यूज नहीं करते। बिजनेस साइकिल में हम लोग आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी यूज करते हैं, तो ये तीन तो स्टॉक हो गए, मतलब इन्वेंट्री यूज होता है, डेटर्स होता है मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, और क्रेडिटर्स मतलब अकाउंट्स पेबल होता है। सो इन्वेंट्री डेज आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेज आता है, अकाउंट्स पेबल डेज आता है, एसिड टेस्ट डेज ऐसा नहीं आता है। सो नॉट अ मेट्रिक में एसिड टेस्ट डेज होगा। 45, डिक्रीज इन करंट एसेट मींस, अब करंट एसेट कम होगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल भी कम होगा, क्यों, सिंपल लॉजिक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। अगर समझो 100 माइनस 20 वर्किंग कैपिटल 80, करंट एसेट कम हो गया समझो 90 माइनस 20, तो करंट एसेट कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो गया। Which of the following is not considered while calculating accounts receivable period? Debtors का collection period निकालने में, मतलब उसका formula भी क्या है basically? Debtors collection period का formula है, अगर आपको ये निकालना है तो average debtors plus bill receivable upon credit sales into 365 लो या 52 weeks लो या 12 months लो। So bill receivable आता है, debtors भी आता है, क्रेडिट सेल्स भी आता है, लेकिन इसमें कैश सेल्स नहीं आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड कैश सेल्स आंसर है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस में क्या चीज नहीं कंसिडर्ड होता है, डेप्रिसिएशन, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इवेल्युएट्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या मालूम पड़ता है कि क्या ये मान पड़ता है कंपनीज एबिलिटी टू मूव इन्वेंट्री, मूव मतलब कितनी जल्दी बिक रहा है, हाँ ये पता चलता है। पर खाली इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के अंदर खाली फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होता है, तो रॉ मटेरियल के, रॉ मटेरियल का समझो 15 दिन है, अगर जैसे फिनिश गुड्स का है 40 डेज, इसका मतलब 40 डेज के बाद बिकता है, तो कितने टाइम में मूव हो रहा है पता चलता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक का 10 दिन है, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको जो परचेस करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, तो कितने एफिशिएंट है, सो परचेसिंग एफिशिएंसी भी मालूम पड़ती है। सो करंट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो आपका वर्किंग कैपिटल जो टॉपिक है ना, उसको मैंने टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब वर्किंग कैपिटल जनरल, फिर स्टॉक का अलग पार्ट है, फिर रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स का अलग पार्ट है, और कैश मैनेजमेंट है, ये चार पार्ट में डिवाइड किया। तो उसको जो फर्स्ट पार्ट है जनरल वाला, उसमें भी थियरी और प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है, तो हमने थियरी वाला कर लिया और अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल वाला एमसीक्यूज। तो अभी हम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यू नंबर 49। इफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 8,42,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 14,25,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP इज 1,24,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली, देन रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड विल बी हाउ मच। सो बेसिकली जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल में किया था, तो उसमें लाइक रॉ मटेरियल वाला पार्ट जो R होता है, दैट इज रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बोलो या रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बोलो, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बेसिकली ये होता है इंटू 365, क्योंकि यहां पे 365 लिखा है सर। अब एवरेज रॉ मटेरियल, तो जो पहले तो क्योंकि अगर ये सिर्फ रॉ मटेरियल कन्वर्जन की बात करें तो WIP कुछ काम का ही नहीं है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये एवरेज ही होगा 1,24,000 है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया 8,42,000 इंटू 365, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 53.75 डेज, मतलब रफली 54 डेज हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. इसी के नीचे 50th एमसीक्यू, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो रॉ मटेरियल दिया है, दैट इज करंट एसेट, WIP करंट एसेट, फिनिश गुड स्टॉक करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, कैश बैंक करंट एसेट, क्रेडिटर्स इज करंट लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज करंट लायबिलिटी. सो बेसिकली ये जो फर्स्ट फाइव है ये करंट एसेट है और ये दोनों करंट लायबिलिटी है. तो हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट अवे ये पांच को ऐड करना है और इसमें से ये दो माइनस करना है. तो 76.55, 750 आता है, मतलब ये तो बहुत इजी है. बी, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 51st, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए शोज द फॉलोइंग डेटा. ओपनिंग स्टॉक दिए है, टोटल परचेजेस दिए है 10,75,000 इंक्लूडिंग कैश परचेज, टोटल सेल्स दिए है 15 लैक्स, आउट ऑफ विच 20% आर ऑन कैश बेसिस, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000 एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो. नाउ बेसिकली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. अगर ये होता है किसका, इफ दिस इज फॉर द फिनिश गुड्स, ठीक है, अभी एज्यूम करना पड़ेगा फिनिश गुड्स का ये. तो सबसे पहले तो COGS चाहिए, तो अभी कैसे आएगा COGS. नाउ इफ यू सी, अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब समझो हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना नहीं रहे, हम लोग सीधा फिनिश गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1,75,000. डायरेक्टली खरीदेंगे फिनिश गुड्स, तो परचेज दी है, टोटल परचेज आएगा 10,75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, ठीक है. तो ये हो जाएगा, दिस इज द गुड्स सोल्ड, मतलब ये कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा 11,1250 माइनस 50, 11 लैक्स. तो ये न्यूमरेटर आ गया. अब एवरेज स्टॉक कैसा आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू. सो 175 प्लस 150 डिवाइड बाय टू करेंगे, सो 162,500 आएगा. सो 11 लैक्स डिवाइड बाय 162,500, तो 6.76 या 769 है, तो 6.77 टाइम्स आता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ओके, 52nd, WIP कन्वर्शन पीरियड इज 18 डेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 8,42,000, स्टॉक ऑफ WIP 72,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच. सो जैसे ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब अभी जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमने किया था, आर का मतलब होता है एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वैसे ही ऑपरेटिंग साइकिल में W का मतलब होता है योर WIP कन्वर्जन पीरियड, तो उसमें एवरेज WIP आता है अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनटू कुछ नहीं बोला तो 365 लेते समझो. सो एवरेज WIP, स्टॉक ऑफ WIP दे के रखा है 72,000, ये मैं इधर के बदले इधर लिखता हूँ 72,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना है और ये पीरियड दे के रखा हुआ है 18 डेज. सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेफ्ट में आएगा और 18 इधर आएगा. ₹14,60,000. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है. आप लोग जब भी, मैं जो भी प्रैक्टिकल सम्स करा रहा हूँ आपको नोट डाउन करना ही होगा ऑब्वियसली, तो वीडियो को पॉज कर रही है और फिर कॉपी कर लीजिए, ठीक है. 53, सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर कैलकुलेशन. लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,56,000 यूनिट्स, पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस दिए है, रॉ मटेरियल का 90, लेबर 40, ओवरहेड 75,
profit is 60, selling price 265. Raw material will be in stock for average 2 months and material are in process for half month. So that is WIP. Calculate the value of raw material stock for working capital purpose. सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है हम लोग को. देखो रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेशन होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम पे, तो पहले तो पूरे साल का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा. सो वो होगा 156,000 यूनिट्स बना रहे हम लोग, ठीक है. हर एक में 90 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है. सो 156,000 इंटू 90 करेंगे तो जो भी आता है अमाउंट, ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरे साल भर का. इसमें से 2 महीने का स्टॉक अपने पास रहता है. सो इंटू 2 / 12, ये हो जाएगा 23,40,000. ओके तो हमारे चार ऑप्शन में से बी को मैच करता है, ठीक है. आपको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. गोइंग टू द नेक्स्ट वन. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड. तो जैसे रॉ मटेरियल का किया हमने, एक WIP का किया, अभी फिनिश गुड्स का है. तो फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू, यहाँ पे दिया 1 ईयर 360 डेज. अभी हमको दोनों साल का निकालना है, तो ईयर 2019 का भी और ईयर 2020 का भी. सो रॉ मटेरियल स्टॉक का कोई काम नहीं है, फिनिश गुड स्टॉक इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे फिनिश गुड स्टॉक इधर 10,000 है, इधर 15,000 है, डिवाइड बाई COGS देके रखा है 1,25,000, इधर 1,40,000 इंटू 360. तो यहां पे 28.8 डेज आता है. और दूसरा 38.57 डेज. तो अगर हम लोग देखेंगे नियरेस्ट 28.8 मतलब 29 डेज और 38.57 मतलब 39 डेज. सो आंसर इज ए. तो इसका वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप. अभी ये हमने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के 3 मेथड्स सीखे थे. तो यहां पर बोला है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर फर्स्ट मेथड इज 57,41,813, ठीक है, वाइल करंट लाइबिलिटीज आर 32,50,000. तो करंट एसेट्स इज हाउ मच. अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का अमाउंट होता है, इट इज 0.75 ऑफ द वर्किंग कैपिटल, दैट इज ब्रैकेट में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. ये दे दिया है, ये है 57,41,813. करंट एसेट्स नहीं मालूम, करंट लाइबिलिटीज मालूम है. तो हम लोग को ये सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो ये 0.75 लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 76,55,750, बराबर है. अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो करंट एसेट विल बी 1,09,05,750. सो ये यहां पर मैच हो रहा है, नहीं ये नहीं, 1,09,05,750, हाँ ए. सो आंसर इज ए, ठीक है. इसको कॉपी कर लो, मतलब वीडियो पॉज करके. फिफ्टी सिक्स्थ, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ गामा लिमिटेड इज गिवन टू यू.
कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी और सेल्स भी दी है। एक मिनट, इट मेक्स 20% सेल्स ऑन कैश बेसिस एंड डेटर्स आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। इफ कंपनी कैलकुलेट्स वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालें तो डेटर्स कितना होगा। तो कैश कॉस्ट में क्या होता है, एक तो प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन तो है नहीं, प्रॉफिट निकालेंगे मतलब इंस्टेड ऑफ नॉर्मली, नॉर्मल केस में, एक मिनट मैं आपको दोनों बता देता हूँ, नॉर्मल केस में डेटर्स कितना आएगा और कैश कॉस्ट में क्या आएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल होता, कैश कॉस्ट नहीं होता, तो सेल्स पे आता था, मतलब किस पे आता था, 413 जो भी है, 413 40,000 पे आता था, ये पूरे साल भर का सेल्स। अब ये जो सेल्स है, क्योंकि लेकिन से डेटर्स तो खाली क्रेडिट सेल्स पे आता है, 20% सेल्स कैश बेसिस पे है, मतलब इसका सिर्फ 80% क्रेडिट सेल्स है, तो इसका 80% होगा वो क्रेडिट सेल्स हो गया पूरे साल भर का, और अपने को 2 महीने का निकालना है तो इंटू 2/12 होता है जो भी आंसर आएगा। लेकिन बिकॉज दे आर आस्किंग ऑन कैश कॉस्ट, तो हमको कैश कॉस्ट का देखना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो कैश कॉस्ट के लिए इन्होंने सेल्स के बदले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, तो ये इंस्टेड ऑफ 413 वाला ये आएगा 3,19,80,000। अब क्योंकि ये जो सेल्स है उसका 80% ही क्रेडिट सेल्स है, तो ये इस सेल्स का कॉस्ट है, इसका 80% ही कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगा इंटू 2/12। तो ये हो जाता है 42,64,000, सो दिस विल मैच विद ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, 57, इफ क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इज 5,40,000 एंड डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज 90,000, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी हाउ मच, और 1 ईयर इज 365 डेज। सो डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इट इज एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। सो योर एवरेज डेटर्स देके रखा है 90,000, क्रेडिट सेल्स दिए 5,40,000 इंटू 365। तो ये हो जाएगा 60.83 डेज, मतलब 61 डेज। ठीक है, बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लो। के लिमिटेड है सेल्स लास्ट ईयर ऑफ 26,50,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 2,50,000 और एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया 36 डेज। इट्स एंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस इज क्लोजेस्ट टू हाउ मेनी डेज, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस पूछा है तो वो कैसे आएगा वर्कआउट। अब देखो, जैसा अभी हमने ऊपर किया था सेम लॉजिक यूज करना है, फॉर्मूला सेम ही आएगा। डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू, यहां पर 365 ही आएगा, बराबर है क्योंकि दिया भी है। अब इन्होंने यहां पर कलेक्शन पीरियड दे दिया 36 डेज। ठीक है, डेटर्स का बैलेंस नहीं दिया, क्रेडिट सेल्स 2650 तो टोटल सेल्स है, जिसमें से कैश सेल्स 2,50,000 माइनस करेंगे सो 24 लैक्स आ जाएगा। ये 24 लैक्स इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 365 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 36 इंटू 24 लैक्स डिवाइड बाय 365। सो योर एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 2,36,712 जितना आता है। सो दिस मैचेस विथ ऑप्शन बी। ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो।
ओके 59. अ कंपनी वांट्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी गुड्स बना रहे पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच. द रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 30%, पैकिंग मटेरियल 10%, लेबर इज 15%, डायरेक्ट एक्सपेंस इज 5%, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 4,32,000, फिनिश गुड स्टॉक 200 यूनिट्स, डेज इन अ ईयर 300 डेज, WIP 7 डेज. फिनिश गुड स्टॉक एंड WIP स्टॉक विल अपियर इन बैलेंस शीट एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी एट वॉट अमाउंट. सो बेसिकली फिनिश गुड्स का भी अमाउंट निकालना और WIP का भी. सो देख लेते. सो 400 यूनिट्स पर मंथ बोला है तो ईयरली 4,800 यूनिट्स हो गए. तो मैं एक वो फॉर्मेट जैसा बना रहा हूं, ठीक है. सो सबसे पहले रॉ मटेरियल एक, फिर पैकिंग मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स है. ये सब टोटल हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्लस प्रॉफिट तो सेल्स. ये हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट ऐसा है. हमारा सेलिंग प्राइस है 600, रॉ मटेरियल 30%, तो 600 का 30% दैट इज 180, पैकिंग मटेरियल 10% तो दैट इज 60, ठीक है, लेबर इज 15% तो 600 का 15% इज 90, डायरेक्ट एक्सपेंस इज 5% सो दैट मेक्स इट 30, और फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे साल का दिया 4,32,000. सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 4,800, 90 रुपीस. इफ आई जस्ट ऐड देम ऑल 240, 330, 360, 450, सो माय प्रॉफिट इज 150. ओके, नाउ फिनिश गुड स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक इज, दे हैव टोल्ड इट इज 200 यूनिट्स. 200 यूनिट है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए. फिनिश गुड्स में ये सब चीज पूरा पूरा होता है 100%, मतलब एक फिनिश गुड्स को बनाने में 450 लगाए, तो अगर मेरे पास एक बच गया तो उसकी वैल्यू 450 रुपीज होगी. तो मेरे पास 200 बच गया तो 200 × 450 विल बी 90,000. अभी अगर फिनिश गुड्स आ गया पहले, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए क्योंकि 90 इसमें ही है. अब WIP 7 डेज का बोला है तो देखो कैसे करना पड़ेगा. 4,800 यूनिट्स जो है, पहले तो WIP में रॉ मटेरियल फुल होता है, रॉ मटेरियल पूरा होता है. WIP को पैक करना पड़ता है क्या? फिनिश गुड्स बनने के बाद पैकिंग होती है, WIP इज नॉट टू बी पैक्ड. सो WIP में पैकिंग मटेरियल नहीं होगा. अच्छा, WIP में बाकी सारे खर्चे क्या एज्यूम करेंगे? कुछ नहीं बोलते तो 50% लेते. सो यू विल हैव टू टेक 50%, मतलब हाफ ऑफ दिस 90 + 30 + 90. सो बेसिकली कितना हो जाएगा? दिस विल बी 180, ये 120, 210 का हाफ दैट इज 105. सो 285 रुपीज पर यूनिट एक WIP में, 285. और हमारे पास 7 दिन का WIP होता है, तो 7 दिन का कैसे करेंगे? देखो, साल भर का 4,800 यूनिट्स है, ठीक है, मतलब हम लोग 4,800 यूनिट्स बना रहे 300 डेज में, तो 7 डेज में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? दिस गिव्स यू 112 यूनिट्स. तो इतना मेरे पास WIP पड़ा होगा और हर एक WIP में 285 रुपीज लगता है. सो दैट गिव्स अस 31,920 WIP. सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी. सो बेसिकली जैसे इसमें फिनिश गुड्स में 200 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, WIP में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए, 7 डेज का है, तो 7 डेज का वर्कआउट कर लेते हैं कि अगर 4,800 यूनिट्स 300 डेज में बनता है तो 7 डेज में कितना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 112 यूनिट्स.
और WIP में रॉ मटेरियल फुल होता है, पैकिंग मटेरियल तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली WIP में, और बाकी सारे खर्चे 50%। ओके सो इसको स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय थर्ड मेथड, और कोर करंट एसेट्स दिए 60 लाख। ना इक्विटी कैपिटल रिटेन अर्निंग्स पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब तो लॉन्ग टर्म होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये होता है करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ये दिया है, इसका टोटल करेंगे तो 500, 700, 960, और करंट लायबिलिटी का है 360। सो अपने को थर्ड मेथड बोला है, सो थर्ड मेथड में क्या होता है, इट इज 0.75 ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, इधर ये और माइनस CL, तो ये 960 है करंट एसेट्स, इसमें कोर करंट एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, ठीक है, और माइनस 360, तो ये 900 हो गया इंटू 0.75 दैट इज 675 माइनस 360 इक्वल टू 315, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके नाउ 61 में बोला है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ दिलीप लिमिटेड आर 9,60,000 एंड 3,60,000, MPBF इज 3,15,000, सो व्हाट इज द कोर करंट एसेट। अब कोर करंट एसेट बोला है मतलब ऑब्वियसली थर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सो MPBF इक्वल टू 0.75 ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस CL, ये दे दिए 3,15,000। करंट एसेट्स भी मालूम है 9,60,000, कोर करंट एसेट नहीं मालूम, और करंट लायबिलिटी मालूम है 3,60,000। तो पहले तो ये माइनस 3,60,000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 6,75,000। फिर ये 0.75 डिवाइड उधर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 लैक्स। ठीक है, ये माइनस CC इधर आएगा तो प्लस, और 9 लैक इधर आएगा तो माइनस, तो देयर फॉर कोर करंट एसेट विल बी 60,000, मतलब करंट आंसर इज ए। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। सिक्सटी टू में बोला है MPBF एज पर फर्स्ट मेथड बोला है 3,18,75,000, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए है, करंट लाइबिलिटी दिए है, करंट एसेट्स इज हाउ मच। अब फर्स्ट मेथड क्या होता है MPBF का, 0.75 ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल का 0.75, ये दे दिए 3,18,75,000, करंट एसेट्स नहीं मालूम, ये पता है। अब पहले तो 0.75 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 4,25,00,000, ये -70 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो करंट एसेट विल बिकम 4,95,00,000, दैट इज ऑप्शन बी। ओके
तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। सिक्सटी थ्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एस वी के इज 1,20,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 3,60,000। सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल मतलब बेसिकली क्रेडिटर्स गिव अस 4 वीक्स क्रेडिट। हाउ मच ऑफ क्रेडिटर्स विल बी शोन इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। सो बेसिकली क्रेडिटर्स क्या होगा, एक्चुअली क्रेडिट परचेस पे आएगा, क्रेडिट परचेस इंटू ये तो पूरे साल का जो भी क्रेडिट परचेस होगा, अपने को 4 वीक का चाहिए तो इंटू 4 वीक डिवाइड बाई 52 वीक्स, क्योंकि साल भर में 52 वीक्स होते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमारे पास क्रेडिट परचेस नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है, कॉस्टिंग में भी क्या होगा कि ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये दे दिया 3,60,000, ओपनिंग दिए 1,20,000 और क्लोजिंग दिए 1,80,000। हम लोगों को परचेस फाइंड करना है, तो रिवर्स में जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस। सो 3,60,000 में प्लस 1,80,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो ये 4,20,000 आएगा। और अगर मैं इसको यूज करूंगा इधर तो ये आता है 32,307.6 होता है। सो ऑप्शन सी मैच हो गया। ओके सो ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। सिक्सटी फोर कैलकुलेट द डेटास ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। जो डोमेस्टिक सेल है मतलब जो इंडिया में बेचते हैं वो 1 महीने की उधारी पे बेचते हैं, टोटल वैसा सेल है 24 लाख, और एक्सपोर्ट सेल जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 3 महीने की उधारी पे करते हैं, वैसा सेल है 10,80,000, और एक्सपोर्ट में जो भी सेल होता है उसका सेलिंग प्राइस इज 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस, मतलब इंडिया में जो प्राइस में बेच रहे हैं उससे 10% लोअर प्राइस में बेच रहे हैं। सो जीपी रेट दिए 20%, तो अभी देखो कैसे करना पड़ेगा, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब सेल्स माइनस COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज जीपी। अब इंडिया में समझो मैं 100 रुपये में बेचता हूँ और प्रॉफिट 20% है, मतलब 20 रुपये कमाता हूँ, तो मेरा कॉस्ट 80 है, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सपोर्टेड एट 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस, मतलब अगर मैं इंडिया में 100 रुपये में बेच रहा हूं ना तो वही चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं 90 में। अभी वो बनेगा तो साथ में इंडिया में बनने वाला है, मतलब खाली मैं कर क्या रहा हूं, जो भी बना रहा हूं इंडिया में उसमें से थोड़ा इंडिया में बेच रहा हूं और थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बनेगा सब साथ में। तो जो कॉस्ट प्राइस इसको मतलब कहीं पे भी बेचो बनेगा तो साथ में, तो मतलब कॉस्ट तो 80 लगने वाला है, फिर यहां पर इंडिया में वो 80 की चीज 100 में बेच रहा हूं और एक्सपोर्ट कर रहा हूं 80 की चीज 90 में, तो यहां पे 10 रुपये कमा रहा हूं। इधर जो सेल्स है वो 24 लाख है और एक्सपोर्ट का है 10,80,000। अब क्योंकि कैश कॉस्ट पे निकालना है, अगर सेल नॉर्मल सेल्स पे डेटस निकालना होता ना तो वो 24 लाख और 10,80,000 पे निकलता था, अभी क्योंकि कैश कॉस्ट मेथड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हो जाएगा 19,20,000 और यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,60,000। अब ये जो डोमेस्टिक वाला है वो तो 1 महीने के लिए उधारी पे, तो 19,20,000 इज फॉर फुल ईयर, उसमें से 1 महीने का डेटस रहता है, तो 1/12, सो ये 1,60,000 हो जाएगा।
और जो एक्सपोर्ट वाला है वो 3 महीने की उधारी पे। तो इधर आएगा 2,40,000। सो टोटल डेटर्स हो जाएगा 4 लाख एंड सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स दिए, करंट लाइबिलिटी दिए और कंपनी वॉन्ट्स टू मेक 20% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज ऑन नेट वर्किंग कैपिटल पे और नेट ही फाइंड करना है। तो पहले तो करंट एसेट है 92,75,000 माइनस करंट लाइबिलिटी 34,62,500। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब ग्रॉस वर्किंग नहीं खाली वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं, ये हो गया 58,12,500 प्लस कंटिंजेंसी के लिए 20% रखना है। तो ये फाइनल टोटल नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इन लोग जो 20% बोल रहे हैं वो इसका नहीं बोल रहे, वो नेट वर्किंग कैपिटल का बोल रहे हैं जो फाइंड करना है। अब वो तो दिया नहीं है और इसी का 20% लेना है, तो लेट दिस बी 100। तो ये 20, तो ये 80 हो जाएगा। अब 80 इज दिस मच, तो 20 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 1453,125 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 72,65,625। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, अभी 66 वाला ये भी नोट डाउन कर लो, 65 वाले को। द सीटीसी कंपनी इज अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश अ करंट एसेट पॉलिसी। फिक्स्ड एसेट्स आर 6 लाख एंड द फर्म प्लान्स टू मेंटेन 50% डेट टू एसेट रेशियो। मतलब क्या, कंपनी का जो डेट होगा वो कंपनी के एसेट्स का 50% होगा, जितना भी एसेट होगा उसका आधा डेट। अगर आधा डेट है तो आधा इक्विटी। इंटरेस्ट रेट इज 10% ऑन ऑल दैट। 3 करंट एसेट पॉलिसीज आर अंडर कंसिडरेशन, 40%, 50% और 60% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 15% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन सेल्स ऑफ ₹30 लाख। टैक्स इज 40%। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इफ द कंपनी फॉलोज एग्रेसिव पॉलिसी। सो बेसिकली 3 पॉलिसीज है, फिक्स्ड एसेट्स कोई भी सब में, सब में लैक्स में लिखता हूँ, इन लैक्स तो इजी हो जाएगा, सब में 6 लाख है। नेट करंट एसेट्स बेसिकली और वर्किंग कैपिटल, यू कैन से इट विल बी आइदर 40% और 50% और 60% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स, और प्रोजेक्टेड सेल्स नीचे दिए 30 लाख। सो 30 लाख का 40% 12 लाख, 30 लाख का 50% 15 लाख और 60% 18 लाख। ये हमारा एसेट्स हो गया। ओके, सो लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट हैज़ टू टैली। अब इन्होंने बोला आधा अमाउंट डेट के थ्रू लेते हैं, क्योंकि लिखा है देखो फर्म प्लान्स टू मेंटेन 50% डेट टू एसेट रेशियो, मतलब डेट विल बी 50% ऑफ द एसेट। तो बाकी 50% का पैसा कहां से आएगा, इक्विटी के थ्रू। सो हाफ हाफ, ठीक है, दिस इज द बैलेंस शीट विल टेल यू। अभी
इसमें से देखा जाएगा ना, तो हमने डिस्कस किया था एग्रेसिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी, सब बताया था कि कंजर्वेटिव पॉलिसी में करंट एसेट ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा करंट एसेट्स इधर है, तो ये हो गया कंजर्वेटिव, और सबसे कम वाला एग्रेसिव हो गया, और ये मॉडरेट पॉलिसी। NPBIT, तो क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा दिया है, कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 15% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, NPBIT है, तो 15% ऑफ 30 लैक्स, सो 30 का 15% 4.5 लैक्स। इसमें से पहले माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट इज 10% ऑन ऑल डेट्स, तो जितना भी डेट होगा उसका 10%, तो इधर 9 है तो 9 का 10% 0.9, 10.5 का 10% 1.05, 12 का 10% 1.2, तो ये माइनस करेंगे तो NPBT आएगा 3.6, 3.45, 3.3, फिर माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स बोला 40%, सो अगर टैक्स 40% भरेंगे सो ये बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 60%, तो सीधा इसका 60% निकाल लेंगे, 2.16, 2.07 और 1.98, ठीक है। प्रेफरेंस कुछ है नहीं, अगर प्रेफरेंस होता तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करते थे, प्रेफरेंस नहीं है तो यही नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। अभी पूछा है रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे तो सिर्फ एग्रेसिव का पूछा है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, बेसिकली इट इज द रिटर्न द प्रॉफिट ऑन इक्विटी, सो बेसिकली प्रॉफिट ऑन इक्विटी, सो नीचे इक्विटी का पैसा आएगा तो ऊपर प्रॉफिट भी इक्विटी का ही आएगा, ये नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी है, ये हो गया नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी, और इक्विटी शेयरहोल्डर का पैसा 9 है और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 करेंगे, सो ये आता है 24% एग्रेसिव में, मतलब करेक्ट आंसर विल बी बी। अब एग्रेसिव ही पूछा था तो बाकी दोनों क्यों किया, ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग को एक ही करना चाहिए, लेकिन आगे के जो MCQ है जैसे 67 सेम क्वेश्चन है, पूरा सब सेम है, खाली लास्ट में देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इफ द कंपनी फॉलोस मॉडरेट पॉलिसी, तो इसमें मॉडरेट पूछा है, और 68 में सेम पूरा समय, व्हाट इफ फॉलोस कंजर्वेटिव पॉलिसी, मतलब तीन MCQ बन गए इसके, सो यहां पर आएगा 2.07 ऑन इक्विटी है 10.5 इंटू 100, सो दैट गिव्स इज 19.71%, और लास्ट में सो सेकेंड का आंसर 19.71 होगा और 68 में 16.5%, ठीक है। सो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो नाउ द 69th क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग सीमेंट लिमिटेड हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.25 लाख टन्स ऑफ सीमेंट पर एनम, इतनी कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी मतलब क्या होता है, इतना बना रहे कि बना सकते हैं, कैपेसिटी मतलब इतना बना सकते हैं। इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%, मतलब अभी हम लोग कितना बना रहे हैं, 1.25 लाख टन्स का 80%, सो करेंगे तो ये 1 लाख टन्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है।
द कंपनी प्रोड्यूसेस सीमेंट इन 2000 केजी ड्रम. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड. अब एक ड्रम के अंदर 2000 केजी आता है, वन ड्रम के अंदर 2000 केजी सीमेंट आ जाता है, ठीक है. अब एक टन मतलब क्या होता है, बेसिकली 1000 केजी, तो 2000 केजी मतलब 2 टन हो गया. सो बेसिकली एक ड्रम में 2 टन आता है, ठीक है. अब एक ड्रम में 2 टन आता है और हम लोग को 1,00,000 टन चाहिए, तो उसके लिए कितने ड्रम्स रिक्वायर्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1,00,000 × 1 मतलब 1,00,000 / 2 करेंगे तो 50,000 ड्रम्स आ जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. सो ये नोट डाउन कर लो. सो बेसिकली क्या है, एक ड्रम का कैपेसिटी उसके अंदर 2000 केजी सीमेंट आता है और 1000 केजी सीमेंट मतलब 1000 केजी मतलब 1 टन होता है, तो 2000 केजी इज 2 टन्स. सो बेसिकली 1 ड्रम कैन अकोमोडेट 2 टन्स. सो 1,00,000 टन्स के लिए कितने ड्रम, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल. वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. और लास्ट, तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है वो हो जाएगा जनरल वाला. MPBF एस पर सेकेंड मेथड इज 1196/188, करंट लायबिलिटी दी है. वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ MPBF एस पर फर्स्ट मेथड. अभी सेकेंड मेथड के हिसाब से MPBF का फॉर्मूला होता है 0.75 ऑफ ओनली करंट एसेट माइनस एंटायर करंट लायबिलिटी. ये दिया इन्होंने 1196/188. और इधर करंट लायबिलिटी दी है 373,750. तो पहले तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. अब 0.75 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू 2093,250 ऐसा आता है, ठीक है. अब इन लोग पूछ रहे एस पर फर्स्ट मेथड कितना होगा, तो नाउ एस पर फर्स्ट मेथड MPBF इक्वल टू 0.75 ऑफ वर्किंग कैपिटल. इट इज 0.75 ऑफ 2093,750 माइनस 373,750. तो पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये सॉरी 250 है. तो ये 1719,500 आता है इनटू 0.75. ये आंसर आता है 1289,625. ये 265 है, ये नहीं, ये वाला. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट, मतलब इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसके अंदर काफ़ी सारे MCQs हैं. इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल MCQs ऑफ वर्किंग कैपिटल वो पार्ट हो गया हमारा, फिर एक स्टॉक मैनेजमेंट के अलग है, डेटस मैनेजमेंट के अलग है और कैश मैनेजमेंट के अलग है, ठीक है. सो विद दिस ये हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.